रचना निर्मेय सात। समलंब चतुर्भुज की रचना करना, जब दो आसन्न भुजाएं एवं इनके बीच का कोण तथा समांतर भुजाओं का पता हो। उदाहरण सात। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए। यदि एबी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 2.8 सेंटीमीटर, एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 अंश और एबी समांतर सीडी। बच्चों, इस बार हमारे सामने रचना करने के लिए एक समलंब चतुर्भुज है, जिसके संबंध में ये सूचनाएं आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। एक ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी एक भुजा एबी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, भुजा एडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के द्वारा ए पर बनने वाला कोण डीएबी 60 अंश का है। भुजा बीसी की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है और चतुर्भुज की भुजा एबी और सीडी समानांतर है। समानांतर होने का मतलब है कि जो कोण यहाँ बन रहा है वही कोण यहाँ पर बनेगा, तो ये कोण भी हमें प्राप्त है 60 अंश के रूप में। अब हमको इस चतुर्भुज की रचना करनी है। जैसा कि हम हर बार करते हैं, आधार से हम बनाना शुरू करें और एक रेखाखंड खींचें जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये जो रेखाखंड होगा वो हमारे समलंब चतुर्भुज का आधार बनेगा। ये हमने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, इसे हम नाम दें। इस सिरे का नाम है ए, इसका नाम बी, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। अब हमें ए डी यदि बनाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ कोण जो दिया हुआ है वो हम बनाएंगे। हम बिंदु ए पर चांदे को रखें। देखिए हम किस तरह से रख रहे हैं चांदा, और 60 अंश का कोण यहाँ बनाना है तो हम इस पैमाने को पढ़ेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। यहाँ निशान लगाने के बाद हम स्केल की मदद से इसे आगे बढ़ा दें। इसे हम एक किरण का नाम देते हैं। मान लीजिए किरण ए एक्स है, डी इसी किरण ए एक्स पर कहीं होगा और हमें मालूम है कि ए डी की लंबाई 3 सेंटीमीटर की है, तो हम प्रकार पर 3 सेंटीमीटर की लंबाई लें, प्रकार को इतना फैलाएं कि वो 3 सेंटीमीटर के चाप को प्रदर्शित करें। ये देखिए, ये 3 सेंटीमीटर का चाप हमने लिया, प्रकार की नोक को ए पर रखा और यहाँ पर हमने एक छोटा सा चाप खींचा जो बताता है कि ये दूरी 3 सेंटीमीटर की है। इसे हम नाम दें डी और इस कोण को माप दें 60 अंश का। हमें 3 बिंदु मिल गए, ए बी और डी। चौथा बिंदु सी भी हमें ढूंढना है। सी को ढूंढने के लिए हमें 2 जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो है बी से इसकी दूरी 2.8 सेंटीमीटर है, लेकिन हम बी से 2.8 सेंटीमीटर का चाप खींचे तो हमें पता नहीं कि वो चाप किस जगह पर मिलेगा, क्योंकि चाप पे सभी बिंदु 2.8 सेंटीमीटर दूर होंगे बी से। तो उसके लिए हम इस सूचना का भी उपयोग करेंगे। हमें मालूम है कि सी डी या डी सी ए बी के समानांतर है, तो हम पहले ए बी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो डी से होकर गुजरे। और समानांतर रेखाओं के बारे में आपको पता है कि संगति कोण बराबर होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये अगर दोनों समानांतर हैं तो ये दोनों कोण संगति कोण होंगे। हम यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बनाएं, इसके लिए हम चांदी को इस तरह से रखेंगे। अब चूंकि ये कोण यहाँ बनना है, देखिए गौर से, इसलिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। चांदे को हम यहाँ से हटाएं और इस नए बिंदु को डी से मिला दें। इन्हें मिलाते हुए हम थोड़ा आगे तक जाएं और इसे किरण का नाम दें।
मान लीजिए सर, इसे हम किरण डी वाई कहते हैं। बिंदु सी इस किरण डी वाई पर कहीं स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा इसका, इसे जानने के लिए हम फिर से एक बार स्केल का उपयोग करेंगे प्रकार के साथ। ये जानकारी हमें दी हुई है कि बी सी की जो लंबाई है 2.8 सेंटीमीटर है। हम 2.8 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से लें। ये हमने जीरो पर प्रकार के एक नोक को रखा और दूसरे वाले सिरे को 2.8 पे रखा। अब हमारे प्रकार पर चाप जो है वो 2.8 सेंटीमीटर का है। प्रकार की नोक को बी पर रखें और इस चाप को खींचें। आप देख रहे हैं ये चाप किरण डी वाई को दो जगहों पर काट रहा है। इसे हम नाम दें सी और इसे नाम दे दें सी डैश। इन दोनों बिंदुओं को हम बी से मिलाएं। एक चतुर्भुज बना ए बी सी डी जो दी हुई शर्तों को पूरा करता है। एक और चतुर्भुज बन रहा है, वह भी इन्हीं इन सभी शर्तों को पूरा करता है। अब इसको बनाएं, बी को सी डैश से मिलाएं। ये देखिए बी आपका सी डैश से मिल गया। तो दो चतुर्भुज आपके सामने मिल रहे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डैश डी। ये दोनों ही चतुर्भुज दी हुई शर्तों को पूरा करते हैं और दोनों ही समलंब चतुर्भुज हैं। तो इस तरह से इसकी रचना हुई। और अब फिर से एक बार कोशिश करिए इन मापों का उपयोग करके और कुछ नए माप लेकर के भी।